सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है जी थोड़ा एक बार तो फिर अपने चैनल में जिदा नाम है एवरी टाइम स्टडी। अज की वीडियो आप गल करें रीट के बारे। जिमें तुम्हें पता ही है कि आप रीट की प्रिपरेशन भी करवा रहे हैं इस चैनल पर। जेकर तुम रीट की तैयारी करना चाहते हो तो तुम्हें सिलेबस के अकॉर्डिंग इस लैक्चर मिल जाएंगे। तो तैयारी करवाई गई है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो। तो तुम दस दें मैं कि आप जो अपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ने जी आप इस चैनल से कर रहे हैं। सब तो पहले आप गल की 2011 जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से जो पंजाबी के क्वेश्चन से सिर्फ पंजाबी लैंग्वेज की गल कर रही है इसमें जो पंजाबी के क्वेश्चन से जी जिन्हें लैंग्वेज फर्स्ट चूज की पंजाबी जी उस 30 क्वेश्चन होंगे तुम्हें पता ही। तो जिन्हें सैकंड चूज की पंजाबी लैंग्वेज उस भी 30 क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह दोनों टोटल मिला के बनते 60 क्वेश्चन बनते हैं। तो आप 60 क्वेश्चन इस चीज़ किए थे। इस तरह उस तो बाद 2012 का क्वेश्चन पेपर जी इस आप 60 क्वेश्चन किए जी दोनों लैंग मतलब चाहे जी फर्स्ट चूज की पंजाबी चाहे की सैकंड दोनों मिला के 60 क्वेश्चन बनते जी 60 से 60 कर ले। उस तो बाद किया आप जी परसों 2015 का जो क्वेश्चन पेपर तो अज आप गल करा जी 2017 का जो पेपर आया सी प्रीवियस पेपर रीट का जी रीट का 2017 का जो पेपर आया से उस जी पंजाबी लैंग्वेज से सिर्फ पंजाबी बारे गल करा जी पंजाबी के जो 60 क्वेश्चन से जी उन्होंने पर पूरी डिस्कस करा जी। इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखियो तो जो 60 क्वेश्चन है वो तुम्हें चंगी तरह करवावे तो एक्सप्लेन भी करा तो आंसर भी देवे तुम उसके। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर दें अच्छा वीडियो। तो वीडियो शुरू करने तो पहला एक छोटी जी रिक्वेस्ट है चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल में सबसक्राइब करो तो ही बैल आइकन प्रेस करो ताकि वीडियो नोटिफिकेशन जी सब तो पहला मिल सके। तो देखो जी अपना फस्ट क्वेश्चन देखो जी 31 नंबर जी हेठ लिखा विचों निबंधात्मक प्रीख्या की खास विशेषता दसो। तो जिस तरह जी चीज ऑप्शन टाइप क्वेश्चन जी मैं देखो जी ऑप्शन अपने को इस तरह जी प्रीख्या इस तरह की जी अपना पेपर होंगे जी उसकी विशेषता दसनी है की है जी। तो इसका राइट आंसर हो जी अपना हो जी बी ऑप्शन जी नकल की संभावना घट होंगी है बी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है जी। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी क्वेश्चन नंबर 32 जी अपना सानू गरीबों की सहायता करनी चाहिए है वाक विच करता शब्द केड़ा है। तो वाक विच करता शब्द केड़ा है। तो इसका राइट आंसर हो जी सी मतलब सानू कह रहे जी आप जी गरीबों की सहायता करनी चाहिए है तो सी की होजू जी एक करता शब्द होजू। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी क्वेश्चन नंबर 33 जी हेठ लिखा विचों केड़ा विचार ठीक है। तो केड़ा विचार ठीक है हेठ लिखा चो तो इस तरह राइट आंसर हो जी वो अपना ए ऑप्शन जी उच्ची पाठ कराने नाल बच्चों की चीज कि दूर होंगी है। तो बच्चे जो डरते हैं जो उन्होंने कोई शर्म होंगी है जी पढ़ने वेले तो जो उच्ची पाठ पढ़ते हैं जी तो उन्होंने जी झिझक है जी जिन्होंने आप कहने बच्चा शर्मा जी वह दूर होंगी है उन्होंने। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी क्वेश्चन नंबर 34 जी पाठ पुस्तकों दीयां बाहरी विशेषता हैं पाठ पुस्तक बाहरी विशेषता जी बिच अंदरलियां नहीं पूछा बाहरलियां विशेषता पूछा सिर्फ। तो इसका राइट आंसर क्यों जी वो होगा बी ऑप्शन जी मजबूत जिल्द जी वधिया छपाई तो कीमत ये जिहड़ियां बाहरी विशेषता ने पुस्तक दीयां जी। क्वेश्चन नंबर 35 देखो जी करता प्लस कै प्लस क्रिया किस वाक की निशानी है। तो किस वाक की निशानी है जी इस जरा राइट आंसर है 35 नंबर क्वेश्चन का जो जी डी ऑप्शन का जी एक की निशानी होंगी जी होंगी साधारण वाक की। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी क्वेश्चन नंबर 36 जी बिगड़िया काम किसी के मत्थे लाना होड़ा मुहावरा वरत्या जाता है। बिगड़िया काम किसी के मत्थे लाना होड़ा काम जो मुहावरा वरत्या जाता। तो इस जरा राइट आंसर हो जी वो जी सी ऑप्शन जी सर मड़ना। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी क्वेश्चन नंबर 37 जी कोई थोड़ी जी चीज़ उपर कब्जा करने पिछे सारी उत्ते कब्जा करने की सोच लई केड़ा खाण वरत्या जाता है। तो किसी थोड़ी जी चीज़ के उपर कब्जा हो जी उसका तो उस तो बाद सारी चीज़ उपर कब्जा करने बारे सोचता गा तो उसनू केड़े जिहड़ा केड़े शब्द या अखाण मुहावरा जहाँ अखाण अखाण च अखाण कहा जाता जी उसलिए केड़ा अखाण ढुकमा है। तो इसका राइट आंसर हो जी अपना वो जी डी ऑप्शन जी उंगली फड़ी तो पौचा फड़ना। ये क्वेश्चन तुम दसदा जी मैं कि 2012 का जो क्वेश्चन पेपर उस भी आया हुआ रिपीट हुआ इस बार फिर। नैक्सट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 38 जी अमीर शब्द का विरोधी शब्द केड़ा है। अमीर शब्द का विरोधी शब्द केड़ा है। तो इसका राइट आंसर जी तुम्हें सब पता जी कि अमीर का की होंगे जी गरीब हों। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी क्वेश्चन नंबर 39 जी जिहड़ा बहुतियां गल्लां करे उसनू की कहिंदे हन। जिहड़ा बहुतियां गल्लां करे उसनू की कहिंदे हन। तो इसका राइट आंसर तुम सब पता जी कि उन्होंने की कहना जो बाली गल्लां करे गालड़ी क्योंकि जो पिंड कोई बाला बोलन लग लगता मतलब सारा दिन बोली जाता रहता तो उन्होंने कहते हैं यार गालड़ी आ चल दें को। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी क्वेश्चन नंबर 40 अपना जी हेठ लिखा विचों कम अगेत्र वाला केड़ा शब्द ठीक है।
ਤਾਂ ਕੰਮ ਅਗੇਤਰ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਲੱਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ, ਕੰਮ ਪਲੱਸ ਚੋਰ ਨਾ ਬਣਾਈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਡੀ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਕੈ ਪਲੱਸ ਮੱਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਕੱਲਾ ਕੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੈ ਪਲੱਸ ਰਾਰਾ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੈ ਪਲੱਸ ਮੱਲਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਪਲੱਸ ਲਾ, ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਅਗੇਤਰ ਪਿਛੇਤਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਬਣਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਆ ਉਹ ਸਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜੀ, ਕੰਮ ਅਗੇਤਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਸ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 41 ਤੋਂ 45 ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜੀ ਸਾਰਾ, ਮੈਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਰੋਕੋ, ਵੀਡੀਓ ਪਾਊਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪੜ੍ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 'ਚੋਂ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚੋਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਰੋਕੋ ਅਤੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਰੋਕ ਲਈ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣਾ 41 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜੀ ਉਹ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜੀ, ਸਕੂਲ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 42 ਜੀ, ਖੇਡਾਂ ਹਰੇਕ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਯੋਜਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਯੋਜਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜੀ ਉਹ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਜੀ। ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਖੇਡਾਂ ਹਰੇਕ ਉਮਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਕ ਬਣ ਜੂ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਖੇਡਾਂ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾ ਵਾਕ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਉਮਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 43 ਜੀ, ਨਿਰੋਗ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ। ਨਿਰੋਗ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜੀ ਉਹ ਜੀ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਨਿਰੋਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ? ਵਿਰੋਧੀ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ? ਰੋਗ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 44 ਜੀ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਰੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਿਰਲੇਖ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿਰਲੇਖ ਦੱਸਣਾ ਢੁਕਵਾਂ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਆਊਗਾ ਜੀ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜੀ, ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 45 ਜੀ, ਤਰੱਕੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ। ਤਰੱਕੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜੀ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜੀ। ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਜੀ? ਵਿਕਾਸ। ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 46 ਤੋਂ 50 ਤੱਕ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿਉ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਸੀ, 5 ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਰੋਕੋ ਜੀ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਰੋਕੋ ਅਤੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 46 ਜੀ, ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਰੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਰੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ। ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 47 ਜੀ, ਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ। ਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਜੋ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਸ਼ਾਂਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਜੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਅਰਥ 'ਚ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਈਏ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 48 ਜੀ, ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਵਾਕ 'ਚ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜੀ ਉਹ ਜੀ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਜੀ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਵਚਨ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 49 ਜੀ, ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਈ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ, ਆਕਸੀਜਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 50 ਜੀ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜੀ ਉਹ ਆ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੀ, ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ। ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੀ? ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 51 ਜੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗਲੀ । ਅਖਾਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭਾਗੋ ਨਹੀਂ ਖਲੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗਲੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਗੋ ਨਹੀਂ ਖਲੀ? ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 52 ਜੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ 3 ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਅੱਖਰ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ 3 ਅੱਖਰ ਲਗਾ ਅੱਖਰ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ 3 ਅੱਖਰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਬਿੰਦੀ, ਟਿੱਪੀ, ਅਧਕ। ਇਹ 3 ਅੱਖਰ ਕੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਲਗਾਂ ਅੱਖਰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 53 ਜੀ,
बच्चे जमात विच बैठे हैं वाक की किस्म है तो कि साधारण वाक ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जू। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी अपना हेठ लिखे वाकों चो कि वाक में विश्राम चिन्ह लगा होया है तो कि विश्राम चिन्ह सही लगे है मतलब इस चिन्ह पिछे जी तो इस तरह का राइट आंसर हो जो अपना डी ऑप्शन क्योंकि दो शब्द जो एक आ जाए तो उन्होंने इस तरह का जो कॉमा का प्रयोग किया जाता तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है जी। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी अपना क्वेश्चन नंबर 55 जी हेठ लिखा विचों दुध अखर चुनो दुध अखर चुने जी तो इस तरह राइट आंसर है जी अपना वह जो अपना जी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है जी। नैक्सट क्वेश्चन देखो अपना क्वेश्चन नंबर 56 जी हेठ लिखा विचों के दंती अखर है तो जो जिस दंद मतलब जो अपनी जीव है वह दंदा नाल लगे जी तो इस जरा राइट आंसर है जी वो अपना बी ऑप्शन जी तत्ता जी तय कहने जी आप हिंदी तो तत्ता शब्द कि जी जिद अपनी जीव है जी दंदा नाल टच करती है बी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है जी। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी अपना क्वेश्चन नंबर 57 जी किसी बड़े काम में एको बारी खत्म करने की कोशिश लिए कि मुहावरे का प्रयोग किया होगा तो कि प्रयोग होगा जी इसलिए होगा जी इको डगे पिंड मंगना मतलब इको बारी से सब कुछ मंग लेना जी तो अपना इसका अर्थ की निकलता जी कि किसी बड़े काम में एको बारी खत्म करने की कोशिश करना तो इस राइट आंसर है जी अपना बी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन जी अपना क्वेश्चन नंबर 58 जी हेठ लिखा विचों बोलन कौशल की विधि केड़ी है तो इस जरा राइट आंसर है जी ये अपना ए ऑप्शन वार्तालाप ए ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर हो जी। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी क्वेश्चन नंबर 59 जी अपना हेठ लिखा विचों सुनन वाले साधन केड़े हैं तो सुनन वाले केड़े साधन हैं तो डी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है जी टेप रिकॉर्डर ते ग्रामोफोन जिहड़े कि सुनन दे साधन हैं डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 60 जी लाल फुल विच लाल व्याकरण अनुसार की है तो जो लाल शब्द है जी वह की है व्याकरण के अनुसार तो तुम दस जी फुल का फुल हों पीला हो सकता गुलाबी हो सकता नीला हो सकता जी किसी तरह का हो सकता तो इतने जो लाल शब्द लाता जी उसके अगे वह की दस रहा जी उसकी विशेषता दस रहा तो विशेषता दसन वाले शब्द को कहा जाता जी विशेषण कहा जाता सी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है। तो देखो जी 30 क्वेश्चन आप कर चुके हैं जी फस्ट लैंग्वेज पुछते हैं कैंडिडेट्स को हूँ 30 क्वेश्चन आप होर करा तो कैंडिडेट्स को दसदा जी मैं थोड़ी चाहे तुम्हें लैंग्वेज फस्ट यूज़ की पंजाबी चाहे की है सैकेंड तो दोनों लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन ने क्योंकि जेडे 80% क्वेश्चन है वो दोनों से मैच करते हैं उस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए ये 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने भी थोड़े लिए जरूरी है। तो चलो जी बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन तो देखो जी पहला क्वेश्चन अपना भाषा को सिखाने का स्वाभाविक क्रम कौन है भाषा को सिखाने का स्वाभाविक क्रम कौन है तो इसका राइट आंसर है जी वो अपना ए ऑप्शन जी बोलना समझना पढ़ना तो लिखना बोलना समझना पढ़ना तो लिखना। नैक्सट क्वेश्चन देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 62 जी भाषा सिक्ख्या मुल्यांकन का अर्थ हेठ लिखा विचों किस नाल संबंधित है भाषा सिक्ख्या मुल्यांकन का अर्थ हेठ लिखा विचों किस नाल संबंधित है तो इस तरह राइट आंसर हो जी वह जो अपना बी ऑप्शन जी बच्चे की शख्सियत नाल। नैक्सट क्वेश्चन जी अपना क्वेश्चन नंबर 63 जी कविता की लय तो उच्चारण का वाचन प्रीख्या की कि किस्म सही हो सकती है तो इस जरा राइट आंसर हो जी क्वेश्चन नंबर 63 का जी ये अपना डी ऑप्शन जी मौखिक जी क्योंकि बच्चे जो बोल के जो कविता लय या उच्चारण उसकी प्रीख्या की सही किस्म जी वो बच्चों सिखाई जा सकती है। तो देखो जी नैक्सट क्वेश्चन जी अपना वस्तुनिष्ठ प्रीख्या की विशेषता है वस्तुनिष्ठ प्रीख्या वस्तुनिष्ठ जी अपने मतलब हम इस तरह के क्वेश्चन जो ऑप्शन वाले जी इन पेपर की जी विशेषता की है तो अपने फस्ट लैंग्एज भी यही पूछा गया जी फस्ट लैंग्वेज फस्ट क्वेश्चन से जी यही सेम क्वेश्चन पूछा गया जी हूँ इस फिर पूछ लिया तो इस तरह राइट आंसर हो जी वह जो अपना जी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जी नकल की संभावना घट होंगी है बी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी क्वेश्चन नंबर 65 जी अध्यापक की बडमुली पूंजी है अध्यापक की बडमुली पूंजी है तो इस तरह राइट आंसर है जी वह सी ऑप्शन जी विद्यार्थी का विश्वास। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी क्वेश्चन नंबर 66 जी एक अध्यापक वधेरे करके किस तो सीखता है तो किस तो सीखता है जी वधेरे करके अध्यापक तो इस तरह राइट आंसर है जी वह ए ऑप्शन किताबों तो ये ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी क्वेश्चन नंबर 67 जी जेकर किसी अध्यापक नाल उसका विद्यार्थी दुर्व्यवहार करे तो उसनू की करना चाहिए है तो क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दें जी आई थिंक तुम समझ नहीं आया मेरे बोलने थोड़ी कमी रहेगी जेकर किसी अध्यापक नाल
उसका विद्यार्थी दुर्व्यवहार करे तो उसनू की करना चाहिए है। तो कोई विद्यार्थी है जी क्लास च ते तुसी अध्यापक हो जे तुहाडे नाल दुर्व्य मतलब कोई व्यवहार तुहाडे नाल चंगा नहीं कर रहा तो तुसी की करोगे। तो इस तरह राइट आंसर है जी वो जी अपने डी ऑप्शन जी वो बच्चे दे व्यवहार मतलब जिहड़ा उहदा करैक्टर मतलब ज्यादा जिहड़ा चरित्र उहनू सुधारांगे। नैक्सट देखो जी क्वेश्चन नंबर 68 जी जमात विच पढ़ाउंदे होए जेकर कोई पढ़ाउण विच कोई विघन पावे तो अध्यापक नू की करना चाहीदा है। तो अध्यापक नू की करना चाहीदा जी इस च तो इस तरह राइट आंसर है जी अपना हो जी बी ऑप्शन जी थोड़ी देर चुप रहने मगरों दोबारा पढ़ाना शुरू कर दे। तो कैंडिडेट्स में एक गल दसदा जी मैं कि जेकर पेपर च कोई क्वेश्चन पूछा जाता तो विद्यार्थी बारे पूछा जाता अध्यापक के विद्यार्थी बारे तो जो उस विद्यार्थी कोई गलती करता तो जेकर उस ऑप्शन ये आता जी कि विघन पाने वाले को सज़ा दे तो सज़ा वाला ऑप्शन कदे नहीं होगा जी क्योंकि ये तुहानू पता है कि जो हम विद्यार्थियों जो बच्चे स्कूलों उन्होंने अध्यापक जो कुट नहीं सकते तो सज़ा वाला ऑप्शन तुम कदे नहीं लाना। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी हेठ लिखियां विचों केड़ा सिख्यार्थियों नू विचार वटांदरा करन दी वधेरे आजादी प्रदान करता है। तो तुहानू पता जी पहली क्लास लैके पंजवीं तक तुसीं बच्चे पढ़ाउणे आ मतलब छे साल तों लैके नौ साल दस साल साल तक दे तुहाडे कोल बच्चे होणगे तो वह ज़्यादातर जिहड़े विचार वटांदरा किस तरह ही करनगे जी। तो इस तरह सी ऑप्शन होजू जी विद्यार्थियों का छोटे समूह विच विचार वटांदरा क्योंकि बच्चे दो दो तीन तीन बच्चे पाँच पाँच सात सात बच्चे इकट्ठे रहिंदे ने तो वो आपस समूह बना के आपस गल्लां करदे ने। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी क्वेश्चन नंबर 70 जी अध्यापक की मुढ़ली जिम्मेदारी है कि वह ये ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर हो जी सिक्ख्या तजर्बा तो व्युतबंधियों नूं ध्यान में रखे अध्यापक की यह सब तो वड्डी जिम्मेवारी है जी या सब तो पहली जिम्मेवारी आप कह सकते हैं। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी अपना क्वेश्चन नंबर इस कहा गया जी हेठ लिखे काव टोटे को पढ़ के सवाल नंबर 71 तो 75 तक के उत्तर दो। क्वेश्चन नंबर जो अपना 71 तो 75 मतलब पांच क्वेश्चन पूछे गए जी तो ये जो काव टोटा है पढ़ना गा तो इसमें तुम चंगी तरह पढ़ लो वीडियो रोक के आई होप कि तुम ये वीडियो रोक के पैरा तक पढ़ लिया होगा। तो चलो जी आप इसके क्वेश्चन की गल करते हैं जेडे इस तो इस पैरा टोटे चो काव टोटे जो पांच क्वेश्चन पूछे गए उसकी आप गल कर लें। तो देखो जी क्वेश्चन नंबर 71 जी उपरोक्त काव टोटे विच खूह शब्द की है। तो खूह शब्द की है जी इस एक सी ऑप्शन खूह एक प्रतीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 72 जी उपरोक्त कविता किस भाव में उसारती है। उपरोक्त कविता किस भाव में उसारती है तो इसका राइट आंसर है जी वह डी ऑप्शन केवल समाजिक परिवर्तन में डी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है जी। नैक्सट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 73 जी अजोके समय में खूह दियां टिड्डां किस समग्री दियां बनदियां हुंदियां हन। तो जिहड़ा अज दा समां जी उस विच खूह दियां टिड्डां किस समगरी दियां बनदियां हन तो इसका राइट आंसर है जी वह अपना हो जी बी ऑप्शन जी लोहे दियां। नैक्सट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 74 जी शाम का विरोधी शब्द की है। शाम का विरोधी शब्द तो देखो जी शाम ना तो आप दोपहर कह सकते हैं शाम ना तो आप रात कह सकते हैं शाम जो आप कह सकते हैं प्रभात जी जा कह सकते हैं आप अथन। वैसे तो यह 50-50% चांस ने जी कि दोनों आंसर राइट ने बट बोर्ड वालों जोड़ा 2011 च ही सेम क्वेश्चन पूछा गया सी 2011 च उन्होंने क्वेश्चन मनिया सीगा ए वाला ऑप्शन उस जी शाम का विरोधी शब्द तो जोड़ा 2017 क्वेश्चन पूछा गया जी इसका राइट आंसर मनिया गया जी उन्होंने प्रभात। तो इसका मोस्टली राइट आंसर होगा जी वो प्रभात ही होगा सी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर ही होगा क्योंकि गलत ध्यान रखियो जी क्योंकि जो 2011 का पेपर से जी उस व्याकरण के संबंध में क्वेश्चन पूछा गया सी करके इसका जो आंसर से वो आथन आया सीगा बट इस आपको एक पैराग्राफ दिता गया जी उपर तुम देख चुके हो जी 71 तो 75 नंबर तक क्वेश्चन जोड़े जी वो पैराग्राफ से पूछे गए हैं तो उस पैराग्राफ शाम शब्द का प्रयोग किया गया जी तो उसका पूछे लेने की अर्थ बनूगा तो पैराग्राफ के अनुसार आप इसका आंसर देना। तो चलो जी गल करते हैं नैक्सट क्वेश्चन की। तो देखो जी हेठ लिखे पैरे नूं पढ़ के सवाल नंबर 76 तो 80 तक के उत्तर दो। तो यह भी पांच क्वेश्चन है जी अपने 76 तो 80 तक ये पैराग्राफ दिता हो जी इस पढ़ना तो पांच क्वेश्चन के आंसर देने हैं तो वीडियो रोको जी तो पैराग्राफ पढ़ो तो उस तो बाद गल कराएं आप क्वेश्चन की कि क्वेश्चन आखिर चु किस तरह पूछे जाते हैं तो कि क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पैराग्राफ चो तो उसके आंसर भी कराएं नाल। तो चलो जी वीडियो रोको तो पैराग्राफ को रीड करो आई होप कि तुम पैराग्राफ जो रीड कर लिया होगा। तो चलो जी गल करते हैं क्वेश्चन की। तो देखो जी क्वेश्चन नंबर 76 जी मशहूरी शब्द का विरोधी शब्द चुनो। मशहूरी वर्द मशहूरी शब्द जो विरोधी शब्द चुनो।
ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜੀ ਡ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਚੋਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਹੋ ਜੂ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 77 ਜੀ ਆਪਣਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗੇਤਰ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗੇਤਰ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜੀ ਉਹ ਜੂ ਬੇਖੌਫ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਫੁੱਲ ਬੁੱਕਾ ਮੂੰਹ ਖਿਲਾਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫੁੱਲ ਬੁੱਕਾ ਮੂੰਹ ਖਿਲਾਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵਾਕ ਨੂੰ ਭੂਤਕਾਲ ਮਤਲਬ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਦਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਜੀ ਤਾਂ ਰਹੇਗੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ ਜੀ ਇਹ ਬਣ ਜੂਗਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਸੋਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖਿਲਾਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁਰੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਖਿਲਾਰਦੀ ਰਹੂਗੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਊਚਰ ਉਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੂਗੀ ਖਿਲਾਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ ਖਿਲਾਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਆਨਸਰ ਆ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਜੂ ਆਪਣਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਫੁੱਲ ਬੁੱਕਾ ਮੂੰਹ ਖਿਲਾਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫੁੱਲ ਬੁੱਕਾ ਮੂੰਹ ਖਿਲਾਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਾਸਟ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਜੂ ਆਪਣਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 89 ਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਰੇ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿਓ ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਰੇ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜੀ ਉਹ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜੀ ਮਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ 80 ਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਆ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਆ ਜੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 81 ਜੀ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸਣੀ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਮਲਵਈ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਜਪੁਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ ਬ੍ਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 82 ਜੀ ਮਾਲਣ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ ਮਾਲਣ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ ਜੀ ਤਾਂ ਮਾਲਣ ਦਾ ਕੀ ਹੋਜੂਗਾ ਜੀ ਮਾਲਨਾਵਾਂ ਮਾਲਨਾਵਾਂ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚੈ ਵਿੱਚਕ ਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚੈ ਮਤਲਬ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮਰਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 84 ਜੀ ਧੰਨ ਭਾਗ ਅੱਜ ਕੀੜੀ ਦੇ ਘਰ ਨਾਰਾਇਣ ਆਏ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਬਿਸਮਿਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਬਿਸਮਿਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤਾਂ ਬਿਸਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬਿਸ ਮਤਲਬ ਵਾਚਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਬਿਸਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਆ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਚਕ ਬਿਸਮਿਕ ਸਤਿਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਕਿ ਧੰਨ ਭਾਗ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਦੋਂ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ 2012 ਦੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਲੇਲਿਸਟ ਮਿਲ ਜੂ ਜੀ 2011 12 15 ਅਤੇ 17 ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੇਪਰ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਿਓ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁਸ਼ਚਨ 85 ਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਰੌਣਕ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਰੌਣਕ ਹੈ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਰੌਣਕ ਹੈ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜੂ ਆਪਣਾ ਜੀ ਉਹ ਜੋ ਆਪਣਾ ਜੀ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਵਾਕ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜੂ ਆਪਣਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 86 ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਅਖਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਅਖਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਛੋਟਾ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਲਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਛੋਟਾ ਮੂੰਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਔਕਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਨ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਛੋਟਾ ਮੂੰਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 87 ਜੀ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਡੈਸ਼ ਦਾ ਲੇਖਾ ਅਖਾਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਬੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਅਖਾਣ ਜੀ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਬੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਇਹ ਅਖਾਣ ਇੱਕ ਬਣਦਾ ਬੀ ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਖਾਣ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜੀ।
नैक्सट क्वेश्चन है जी अपना क्वेश्चन नंबर 88 जी, डंडे बजाने मुहावरे का अर्थ दसो। डंडे बजाने मुहावरे का अर्थ दसो, तो डंडे बजाने का मतलब क्या जी? वेले फिरना, जिमें कि अजकल पिंड दी बुढ़िया जी अपने लेडीज़ कह दें ने सारा दिन डंडे बजाता फिरता रहना, कुछ कर भी लिया कर, तो उत्थे की होंगे जी मतलब उस तो की भाव जी, सारा दिन डंडे बजाता फिरता रहना तो मतलब वेले फिरता रहना। नैक्सट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 89 जी, वह शब्द जो दूजिया भाषावों ज्यों दे त्यों ले जाते हैं उन्होंने की कहा जाता है? तो वह शब्द जी जिहड़े किसी दूसरी भाषा के ने तो उन्होंने अपनी भाषा पंजाबी भाषा में बै उमें का उमें लै लै लिया जाता तो उन्होंने की कहा जी? उन्होंने कहा जाता तत्सम शब्द। बी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर है जी। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी क्वेश्चन नंबर 90 जी, छोटिया जमातों गीत कविता एकांगी आदि पढ़ाने लड़े कि विधि की बधेरे ढुकमी है? तो जो छोटिया क्लासा ने जी उन्होंने गीत कविता एकांगी पढ़ाने लड़ी विधि सही रही है ये पूछा गया क्वेश्चन से। तो इस तो इसका आंसर दस तो पहला दसना चाहूँगा जी कि तुसी जेकर हजे तक 2011, 2012, 2015, 2017 के क्वेश्चन पेपर नहीं किए पुराने पंजाबी के तो इस चैनल की प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, जाके कर लियो। तो नाल ही पंजाबी के जिहड़े 9 to 10 क्लासा हो चुकिया ने जी, तो वो चैनल पर जाके जरूर देखो जी, पंजाबी के पेपर लिए बहुत ही इंपोर्टेंट ने, वो सारिया क्लासा देख लियो। उस नाल तुहाडा जिहड़ा पेपर आ मैं ज़्यादा नहीं कर 80 to 90% जी 80 to 90% कवर हो जूगा जी, जेकर तुसी वो क्लासा अटेंड कर लोगे तो यह पेपर सारे कर लोगे। तो जरूर वो क्लासा भी देखियो तो क्वेश्चन पेपर भी देख लियो जिस सारे क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। तो गल करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की, तो उस तो पहले एक रिक्वेस्ट है जी कि जेकर तुसी अजे तक वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर दियो जी, तो जे चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो चैनल सबसक्राइब जरूर कर लियो जी, ता कि तुहानू साडी वीडियो की नोटिफिकेशन सब तो पहला मिल सके। तो चलो जी आप गल करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की, तो इसका राइट आंसर हो जी वो जी समूहिक पाठ विधि। समूहिक पाठ विधि मतलब बच्चों को इकट्ठे बिठा के पाठ पढ़ाना जां उन्हां नूं इकट्ठे बैठ के सारा कुछ सिखाउणा। तो यह सी अज दा अपना जिहड़ा 2017 का पूरा क्वेश्चन पेपर जिस 60 क्वेश्चन पूछे गए थे, 60 दे 60 क्वेश्चन तुहानूं करवा दित्ते आ। उम्मीद करदा वीडियो चंगी लगी होगी, वीडियो चंगी लगी तो जो रीड की तैयारी कर रहे हैं जिन्होंने पंजाबी लैंग्वेज सिलैक्ट की उन्होंने वीडियो जरूर शेयर कर दिओ, शायद तुहाडी वीडियो शेयर करन नाल किसी का भला हो जाए। धन्यवाद जी।